आनंद मोहन को कल छूटना है, ऐसा ही भरोसा वर्षों तक अतीक अहमद को भी रहता था, जिसे योगी राज में तोड़ा गया। इसीलिए अतीक कहने लगा कि अब तो मिट्टी में मिला दिया है। अब अतीक तो शूटआउट में मारा जा चुका है, लेकिन जिंदा रहते अतीक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के आगे कैसे गिड़गिड़ाता था और अभी आनंद मोहन रिहाई से पहले कैसे मुस्कुराता है, दोनों को तुलना करते हुए सुनिए, देखिए, आप समझ जाएंगे दो राज्यों में दो अपराधियों को लेकर कितनी संजीदा कौन सी सरकार है। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास्त दिया जा रहा है, कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं, कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं, मट्टी में तो मिल गए। सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके से बीजेपी आपका स्वागत कर रही थी, लेकिन कल से सर बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहिएगा? अब कुछ नहीं कहना है, ये जनतंत्र का हिस्सा है। सर कल को वापस आएंगे तो कुछ क्या कुछ रहेगा आपका? कल बात की, जाते जाते कोई मैसेज सर? कुछ मैसेज नहीं है, अपने गरीब का क्या मैसेज? ले जा रहे हैं, इनकी नियत सही नहीं है, खाली परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे नहीं ले जा रहे? बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद नहीं आभार। आजीवन का मतलब कभी ये आजीवन नहीं होता है, जो लोग कहते हैं जेल से कैसे निकल गए, आजीवन का मतलब होता है 20 साल, और 20 साल का मतलब होता है ऊपर से सीधा सीधी है कि 6 साल परिहार देना है। अगर अच्छे आचरण है जेल में तो आपको 6 साल परिहार देना है, 14 साल सजा काटना है। तो सुनिए पूरी बात पहले, तो 14 साल सजा काटना है तो 14 साल तो हम काट चुके, 15.5 साल है, 1.5 साल ज्यादा है उस केस में है जिसमें हम निर्दोष हैं। न्याय करें, महिलाओं का बच्चों को उत्पीड़न न करें। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। बेटी की सगाई से और बेटे की सगाई तक ये प्रक्रिया चली। पहली सगाई जो बेटी की जो सगाई हुई उसमें हम अस्थायी तौर पर निर्मुक्ति, इसको कहते हैं अस्थायी निर्मुक्ति, पैरोल पर बाहर आए, तो वहाँ से शुभ लक्षण स्टार्ट हुआ और पूर्णता जो है बेटे की सगाई पर हुई।